नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी आप सबका स्वागत करती हूं वायरल वर्सेस फैक्ट में। जैसे कि सब जानते हैं, अक्टूबर का महीना जा रहा है, नवंबर का महीना आ रहा है, तो धीरे धीरे सर्दियां बढ़ रही हैं। सर्दियां बढ़ेंगी तो फॉग भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और पॉल्यूशन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, तो उसी पॉल्यूशन को लेकर सब बहुत परेशान है। कहा जा रहा है कि दिल्ली NCR में जहरीली हवाएं चलने की जो संभावनाएं हैं वो बताई जा रही हैं, तो उसी के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी एक खास रिपोर्ट। अब जैसे जैसे ठंड पास आ रही है, वैसे ही बढ़ती ठंड के साथ साथ जहरीली हवा भी बढ़ती जा रही है, जिसके साथ लोगों को हवा में सांस लेना दुश्वार हो रहा है। वहीं अब पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार एक नया कानून लाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि केंद्र ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक समग्र दृष्टिकोण लिया है। ये अगले 3 से 4 में एक कानून लाने का इरादा रखता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये हम इस कानून का स्वागत करते हैं और इसके लिए एक कदम बढ़ाते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि दिल्ली NCR के लोगों को स्वच्छ हवा मिले। केंद्र ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि पराली जलाने की निगरानी के लिए जस्टिस को नियुक्त करने वाले 16 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगाई जाए। फिलहाल इस मामले में कोर्ट की सहायता पूरी तरह से हमें मिल रही है। वरिष्ठ वकील हरीश तालवे ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है और अब कोर्ट मामले पर 29 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। फिर हम आप सब से यही दरखास्त करेंगे कि आप सुरक्षित रहें और सावधानी बरतते रहें। खैर, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।